अपने आप का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, ना उठने का ठिकाना है, ना बाल का ठिकाना है, ना दुपट्टे का ख्याल है, ना बेटी का ख्याल है, बेटी कहाँ है मैं। अल्लाह अकबर, उस जंग में ऐसा लगता है अल्लाह अकबर, पता क्या चला जो काम यजीद ने किया था आज हम वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और एक आखिरी जुमला में पॉइंट की समझ जाए मेरे भाइयों, आप समझे कि क्या है ये, जिस इस्लाम में नाच देखना हराम है उसमें नाचना जायज नहीं हो सकता। अगर कोई नाचे कोई गाए, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। तुम्हारा बाप मर जाए तो कुरान खानी कराओ इमाम हुसैन के नाम पर, डम 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 डम। तुम्हारा बाप मर जाए तो फातिहा करवाओ, आलिमों को बुलाओ। उस वक्त ताशा क्यों नहीं बजाते? तीजा के दिन ताशा बजाइए, चालीसवां के दिन ताशा बजवाइए, बीसवां के दिन खूब ताशा बजवाइए कि मेरा बाप मर गया है, लोगों को सुनाइए मेरी माँ मर गई है। आपका बाप मरे, आपकी माँ मरे तो ताशा नहीं बजाएंगे आप, डंका नहीं पिटेंगे आप, ढोलक नहीं बजाएंगे आप। और मेरे इमाम के लिए यह हुसैनी होने की दलील नहीं है। अल्लामा साहब, माइक की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इस्लाह की बात है, कुछ अपने अंदर की बात है। जरा गौर से सुने आप, आप तौबा कीजिए इन बातों से, पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। ए मेरी मां बहनें, अगर तू फातिमा जहरा की सच्ची कनीज है, अगर हजरत सकीना की सच्ची नौकरानी है, अल्लाह अकबर, अगर हजरत सुगरा की तू सच्ची नौकरानी है, तो आज से तू तौबा कर ले अपने दिल में और आदत कर ले कि हम घर से नहीं निकलेंगे इस दिन में, हम घर से नहीं निकलेंगे, हम नाचेंगे नहीं, हम गाएंगे नहीं, हम कुरान की तिलावत करेंगे। अगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है तो हम अपने घर में दुरूद पढ़ेंगे, हम अपने घर में सलाम पढ़ेंगे। और इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा 72 जाने सालाने कर्बला के नाम से हम इसका सवाब बख्शेंगे। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आप को गौर से सुनो और सोचो, यही काम बाकी रह गया था कि इमाम हुसैन के नाम पर बोला। यही काम रह गया कि तुम्हारे पास इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ पहुंचाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे नबी मोहब्बत करते हैं और किस अंदाज से मोहब्बत करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस हदीस का जो मफहूम और मतरजमा सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। जो हुसैन से मोहब्बत करता है, और कौन इमाम हुसैन है जिनके नाम जन्नत है, कौन इमाम हुसैन है जिनके खानदान का नाम जन्नत है, कौन इमाम हुसैन है जिनका बाप जन्नत का दरवाजा है, कौन इमाम हुसैन है जिनकी मां जन्नत की औरतों की सरदार है, कौन इमाम हुसैन है जो जन्नत की नौजवानों के सरदार है। फातिहा करवाया करे, और अगर हमारे उलमा और चंदा की बातों में लाखों लाख रुपया फजूल में खर्च कर देगा, अगर हमारे उलमा दीन के लिए चंदा के लिए अगर चले जाए 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया लगा है तो देखिए ना कितनी बात सुननी पड़ती है बातें या नहीं, इतनी बातें सुननी पड़ती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे अकाली सलातो व सलाम के प्यारे गुलाम, वला तकुन ले मयुतलो फैसले हम बात बन गया। बेशक लोग जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाते हैं उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। मेरे अकाली सलातो व सलाम के प्यारे गुलाम, तुम मुर्दा गुमान भी न करो, वो जिंदा है। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, कौन सैयदुल शुहदा है जिसने इरादा कर लिया था, आखिरकार जब मजबूर कर दिया तो फिर इमाम छोड़ने का इरादा कर लिया, फिर आते हैं अपने घर में मशवरा करते हैं और फरमाते हैं ये शहर रसूल है, ये शहर मदीना है, अल्लाह अकबर, अगर हम यहाँ रहेंगे तो यजीद मानेंगे।
को भी आप मान नहीं मार सकते हैं। अल्लाह अकबर, हरम में खून हराम है, आप मान नहीं मार सकते हैं। मेरे इमाम फैसला करते हैं और अपने नाना जान की कब्र अंदर की हाजिरी देते हैं। रात की तारीकी है, प्यारे नाना जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं और हाजिरी देने के बाद भी मेरे इमाम हुसैन कब्र रसूल से भी पढ़कर सारे गद्दार रोने लगते हैं। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह अकबर दस्ते करम बाहर करते हैं, इमाम हुसैन को सब्र देते हैं और फरमाते हैं मेरे इमाम हुसैन तू क्यों रो रहा है, मेरे बेटा तू क्यों रोते हो, हर मैदान में तुम्हारी कामयाबी है।
अंदर आप देख रहे हैं, एक तारीख से दस तारीख तक जो चीजें आप देखते हैं वो सब फजूल है, वो सब हराम है, वो सब गलत है। और जो आठ नौ को दस को आप देखते हैं, उसके बाद तीजा को देखते हैं, ये सब बिल्कुल गलत चीजें हैं। मेरी माँ बहनें जो जाती हैं, कूदती है, फांदती है, या मेरे भाई जाते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। मेरे इमाम की रूह इससे खुश नहीं होगी, ढोलक बजाने से मेरे इमाम की रूह इससे खुश नहीं होगी, लाठी खेलने से मेरे इमाम की रूह खुश होगी तो कुरान की तिलावत से खुश होगी, मेरे इमाम की रूह अगर खुश होगी तो नमाज से खुश होगी, मेरे इमाम की रूह अगर खुश होगी तो दुरूद की दुरूद और सलाम पहुंचाने से खुश होगी। देखिए सब जाए, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं जाना है, कल से नहीं जाइए, तौबा कीजिए। और अल्लाह हिदायत दीदा साहब, और आप लोगों ने जो पैसे खर्च किए हैं, इंशाल्लाह आप लोग इस पर अमल कर लेंगे, कामयाब हो जाएगा। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ कर कहूंगा, आप गलीज़े फातिमा है जिस दुपट्टे को बचाने के लिए, सर पे रखने के लिए मेरे इमाम करबला में पहुंचे थे, उस दुपट्टे की लाज रखो। कौन इमाम हुसैन है जिनकी बहनों को, कौन इमाम हुसैन है जिनकी बेटियों को अल्लाह अकबर जंजीर के बांध पहनाई गई थी, पैर और हाथ में बेड़िया पहनाई गई थी। कौन इमाम हुसैन है जिनके अल्लाह अकबर जिनके कबीले की औरतों को यजीदियों ने नंगे घोड़े पर बैठा दिया था और काफला निकाला था, जुलूस निकाला था। कौन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरी माँ बहने, इनसे परहेज करो और तौबा करो। कौन इमाम है जिनकी मोहब्बत और जिनकी कुर्बानी से इस्लाम जिंदा है, जिनकी कुर्बानी से आज तक इस्लाम जिंदा है। 1350 साल का जमाना गुजरा, वो यजीद नाम का आदमी नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में हुसैन नाम का आदमी मिलेगा। मैं रब्बे कायनात से दुआ करता हूँ, मौलाए कायनात अपने आका अलैहिस्सलाम के सदके में हमारे दिल में सच्ची इमाम हुसैन की मोहब्बत अता फरमाए। पढ़िए कलमा ला इलाहा।